हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में सीखेंगे बेड स्विच की वायरिंग कैसे करते हैं या फिर वन स्विच वन बल्ब होल्डर की वायरिंग कैसे करते हैं। यह स्विच नॉर्मली होता है जो बोर्ड में लगे होते हैं, सेम उसी तरीके होता है, लेकिन इसमें बोर्ड की आवश्यकता नहीं होती है, सिंगल स्विच से कनेक्शन कर सकते हैं। इसको ओपन करके दिखाते हैं, हम देख सकते हैं इसमें दो पॉइंट है, तो उसके नट हमने पहले से निकाल लिया, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद हम इसको अंदर से दिखाते हैं, आप देख सकते हैं सेम दो ही टर्मिनल है, एक इनपुट के लिए आउटपुट के लिए, और बल्ब होल्डर में दो ही टर्मिनल होते हैं, देख सकते हैं आप न्यूट्रल और फेज के लिए। तो चलिए हम वायरिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम दो वायर लेंगे, एक न्यूट्रल और फेज के लिए। तो इसके कैपरी हम ओपन कर लेते हैं, या कैप बोल सकते हैं बोल्डर की। इसके अंदर से हम ये दोनों वायर पास करेंगे या निकालेंगे, ये देख सकते हैं हमने दोनों वायर निकाल लिए हैं। तो इसको हम दोनों वायर जो है एक एक टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। तो न्यूट्रल हम किसी भी एक पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे एक टर्मिनल में। तो हम कनेक्ट करके दिखाते हैं आपको, ये देख सकते हैं बल्ब होल्डर के एक पॉइंट में या एक टर्मिनल में न्यूट्रल के बाद हम कनेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हमारा एक वायर जो बच गया है, तो हम ये जो बच गया हमारा, ये हमारा फेज के लिए, तो इसका हम फेज में लगा देंगे इस वाले टर्मिनल में। तो चलिए हम लगाते हैं इसको। ये देख सकते हैं हम फेज वाला वायर भी कनेक्ट कर रहे हैं दूसरे टर्मिनल में। ये हमने कनेक्ट कर दिया है दोनों टर्मिनल में न्यूट्रल फेज के लिए, देख सकते हैं आप। अब इसको हम कैपरी को बंद कर देते हैं अंदर से। ये हमने दोनों टर्मिनल कनेक्ट कर दिए हैं, कैपरी भी अच्छे से बंद कर दिया है। अब जो हमारा रेड वाला वायर है फेज का, ये इनपुट टर्मिनल के लिए इस वाले पॉइंट हम कनेक्ट कर देंगे इसके अंदर से, क्योंकि ये हमारा होल दिया है, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं इसको आप। तो इसको इस यहाँ इस वाले टर्मिनल से यहाँ कनेक्ट कर, इस तरीके से करके इस वाले पॉइंट में हम कनेक्ट कर देंगे। इस वाले पॉइंट हम कनेक्ट कर देंगे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में। ये इनपुट के लिए है, जो हमारे मेन सप्लाई के लिए वायर है हमने ले लिया। इस वायर टर्मिनल हम कनेक्ट कर देंगे इसी होल की मदद से, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वायर टर्मिनल में। इस वायर टर्मिनल हम कनेक्ट कर देंगे, देख सकते हैं हमारी कंप्लीट हो चुकी है वायरिंग। इसको हम इस तरीके से फिट कर देंगे अच्छे तरीके से इस वायर पर यहाँ पर। इसके बाद इस कैप को हम ऐसे लगा देंगे इस वाले स्विच के ऊपरी वाले टर्मिनल पॉइंटों को, ऐसे इस तरीके से बैठा देंगे। इस तरीके से हमारी ये वायरिंग कंप्लीट होती है। ये मेन न्यूट्रल का वायर है और मेन हमारा ये फेज का वायर है। ये बल्ब होल्डर कहीं दूसरे पॉइंट पर लगा होगा और ये स्विच बेड के पास लगा होगा। ये दो टर्म जो हमारे मेन सप्लाई के लिए वायर है, इसमें आप चाहे तो टू पिन प्लग लगा सकते हैं। मैं ऐसे ही चेक करके दिखाता हूँ आपको टू पिन प्लग किस तरीके का होता है, मैं दिखा देता हूँ। चार्ज में लगे होते हैं ये टू पिन प्लग होते हैं, ये चाहे तो आप इस तरीके लगा सकते हैं। अब इसकी हम टेस्टिंग करेंगे इस बोर्ड में लगा के, पावर वाले बोर्ड में इसमें। तो सबसे पहले हम एक बल्ब लेते हैं, बल्ब लगा के अब चेक करके दिखाते हैं आपको। ये हमने वायर को सप्लाई बोर्ड में लगा दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं सप्लाई बोर्ड है हमारा। अब इसको हम चेक करते हैं कि जलता है कि नहीं। ये देखते हैं हमारा स्विच है, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, देख सकते हैं हमारा बल्ब जल रहा है। इस प्रकार बेड स्विच की वायरिंग करते हैं। यह हमारा छोटा सा टॉपिक था। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर।